ये है टीम मंसूर क्लास राव, जो दिहाड़ीदार मजदूर यतीमों और बेवाओं की खातर मैदान में आ गए हैं। इन्होंने माह रमजान में मुफ्त अफतारी का सामान देना शुरू कर दिया है। इनसे जानते हैं इन्हें ये ख्याल कैसे आया। कभी गोश्त होता है, कभी सब्जी होती है, कभी दालें होती हैं, 5 रोटियां और सालन उनको दिया जाता है। अच्छा, बिल्कुल फ्री दस्तरखान की इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। और भाई हमें बताएं कि रोजाना क्या क्या चीजें बनती हैं और उनकी कितने कितने किलो वो बनती हैं। भाई जान, पकौड़ा लागवे तक 2 किलो बनवे दे, गोश्त तक 5 किलो बनवे दे, हर त्रीजी दीवार गोश्त होंगे। इन अलावा क्या क्या होंगे? सब्जी सालन ईदा बनते, सब्जी होंगी है, दाल होंगी है, गोश्त होंगे, ये चीजा तो पकौड़ा होंगे, नाल खजूर होंगी है, पानी होंगे, रोटी नाल सालन। ये लोगों को तुसा दे दे वे अपने घर ही वाई के खांदे, इदा क्या कांसेप्ट है? ए भाई जान, उना दे बाल खा गंदन, सारे घर दी फैमिली खा गंदी है, ते इत्था खावन एक बंदा होंदा उता ज्यादा खा गंदन, पार्सल दा ज्यादा फायदा है थी। अजी बिल्कुल, नाज़रीन का कहना है कि जो यहाँ पर लोग इफ्तारी करने आएंगे वो एक फर्द आएगा और यहाँ पे इफ्तारी करेगा, जबकि हम वो कहते हैं पार्सल में देते हैं तो अपने घरों में जाकर 5 से 6 लोग अपनी पूरी फैमिली जो है अपना आराम से खा लेती है। फ्री इफ्तार पे कुछ लोग आए हुए हैं जिनको यहाँ पर फ्री इफ्तारी भी दी जा रही है, हम उनसे जानते हैं। और भाई हमें बताएं कि यहाँ पर आप रोजाना फ्री इफ्तारी लेने आते हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या चीजें रोजाना दी जाती हैं आपको? जते गरीब लोग हर किस्म बीमार से तौन करे ने, हर शय तैयार है। भाई तुसा दसो क्या काम करे ने वे था राशन के फ्री गिरना है पे इफ्तारी? हां, सब पठा दे इटा थपे ने, मजदूर हैं, गरीब हैं, ताजी मजदूरी करे ने, तो सब फ्री दे दे मां से सारी मदद करे ने। ये नहीं जो सब साल आने ना, सब भाई कोई शर्मा के सब दे, हर किस्म की मदद पावन का ना, सारे को मसला मसाइल मन वही सुन दे हाल करे, बहुत अच्छा। अजी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो ये अफतारी के तमाम इंतजाम को निज़ाम को देख रहे हैं और अफतारी बना रहे हैं, उनसे जानते हैं। भाई हमें ये बताएं कि आप अफतारी का इंतजाम कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या बनता है रोजाना? यहाँ पर अफतारी के लिए पानी बनता है और खजूर होती है और 5 रोटियां और सालन उनको दिया जाता है, पकौड़े भी साथ दिए जाते हैं, पानी भी दिया जाता है, खजूर भी दी जाती है, घर लेके जाते हैं, उनके बच्चे इफ्तार करते हैं, इधर भी लोगों के लिए इंतजाम होता है, सभी इकट्ठे होकर इफ्तारी करते हैं। मंसूर क्लासा और राव क्लासा इस व्यक्ति के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये जब से लंगर खाना लगा है, बहुत से मजदूर यहाँ पे आके लंगर ले जाते हैं और उनको बहुत आसानी हो गई है। वो जो भट्टे पे मजदूर काम करते हैं या जो दिहाड़ी पे करते हैं लोग, वो यहाँ आके खाना ले जाते हैं, बेवा औरतें वो भी ले जाती हैं। ये बहुत अच्छा इंतजाम है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको अजर दे। रोजाना का मेन्यू चेंज होता है या एक ही मेन्यू रहता है? रोजाना का मेन्यू चेंज होता है, कभी गोश्त होता है, कभी सब्जी होती है, कभी दालें होती हैं, कोई एक दिन कोई 2 दिन नहीं चलता मेन्यू, मतलब कि डेली का चेंज होता है। अजी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए आपने लैया की कहानी, मजीद ऐसी कहानी देखने में देखते रहे। 2 पॉइंट अल्लाह ने के बाद।